छिंदवाड़ा के शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए छिंदवाड़ा पधारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वे यहां पर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आए हैं और उनका किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, लिहाजा लोग उनके बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल गोलबंदी का नाम ही राजनीति हो गया है। गोलबंदी का मतलब है ध्रुवीकरण। हमारे सनातन की अवधारणा में सभी व्यक्ति को एक समान समझा गया है और यदि हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो जो व्यक्ति हिंदू नहीं है उसके साथ अन्याय हो जाएगा और यह हमारी मान्यताओं के विपरीत है। हमें रामराज की बात करनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को समान रूप से समझा जाता था। उन्होंने कहा कि वे अपने गुरु के आदेश अनुसार 10,000 बच्चों के लिए वैदिक शिक्षा पर आधारित गुरुकुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका कार्य आरंभ हो गया है। धर्म और राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि धर्म अब जीवन के उन्नयन का विषय नहीं रह गया है बल्कि राजनीति और व्यापार का विषय बन गया है और इसलिए लोग धर्म का चोला पहनकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। गोलबंदी ही राजनीति के रूप में ख्यात हो गई हो। राजनीति शब्द जो है वो बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ नीति शब्द बहुत ऊंचा है, धर्म के समान है और राजनीति माने राजा के द्वारा पालन की जाने वाली नीति। तो अगर जो राजनीति शब्द हमारा है, जो उसको महाभारत में प्रयोग किया गया है, जिसको रामायण में प्रयोग किया गया है, अगर वो राजनीति का शब्द हो तो अलग बात। आजकल तो वो राजनीति है नहीं, आज तो गोलबंदी है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं। तो ये जो गोलबंदी वाली राजनीति है इसमें आप एक शब्द लेकर आते हैं हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी। अब हिंदू हिंदू के नाम पे गोलबंदी होगी और गोलबंदी होगी तो स्वाभाविक है कि जो हिंदू नहीं होगा उसके साथ परायपन का व्यवहार हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम इस विचार को जब करते हैं तो हमको रोमांच हो जाता है, सिहर उठता है मन, क्योंकि हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते। हमारे यहाँ ये माना गया है कि राजा के लिए जितनी भी प्रजा है वो सब उसके औरस पुत्र जैसी होनी चाहिए कि मेरे बच्चे हैं ये, और हमारे यहाँ के राजाओं ने इसी आदर्श का पालन किया है। सबको अपना बच्चा समझ करके सबके योगक्षेम का ख्याल किया है उन्होंने, सबका कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग अभी भी नारा लगा रहे हैं, हमारे आचार्यों ने हमारे राजाओं ने इस आदर्श को स्थापित किया है। तो जब गोलबंदी होगी तो ये नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है, हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी। जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ उसके साथ परायपन का व्यवहार हो जाएगा। NBCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।